नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज का खेल तो पलटवार हो गया। कल शाम जहां पर साउथ अफ्रीका के 39 रनों पर 3 विकेटें गिर गई थी, आज सुबह आते चौथी विकेट भी गिर गई। ये टेस्ट मैच तो भारत ने जीतना था, चौथे दिन ही जीतना था, लेकिन अब शायद तीनों नतीजे भी दिखते हैं। साउथ अफ्रीका ने आज जबरदस्त बैटिंग की है। 63 आउट से वो 385 तक पहुंच गए हैं, वो भी आखिरी दो विकेटें आखिरी एक घंटे में गिरी। 370 6 आउट उनका स्कोर था, 385 8 आउट पर खत्म हुए। 117 रन अभी भी साउथ अफ्रीका पीछे है। दो दिन का खेल है, यहां से भी भारत जीत सकता है। बल्कि अगर बरसात नहीं होती तो भारत भी जानता है कि अगर थोड़ा संयम रखा जाए तो ये टेस्ट मैच अभी भी वो जीत सकते हैं। लेकिन आज के दिन एल्गर, डुप्लेसी और डीकॉक की बैटिंग के लिए याद रखा जाएगा। अश्विन को 5 विकेटें जरूर मिली हैं, लेकिन भारत की गेंदबाजी में आज पैनापन नहीं दिखा। पूरे दिन में विकेटें 5 गिरी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने 346 रन बनाए हैं। ऐसा स्कोर जो भारत ने सोचा नहीं था सुबह साउथ अफ्रीका पहुंच जाएगा। तो फिलहाल आलम यह है मदन जी कि कल और आज में फर्क बड़ा आ गया है, बहुत फर्क आया है। साउथ अफ्रीका ने आकर जो जज्बा दिखाया, कल तक तो हमें नहीं लगा था। मुझे तो लगा कि भाई साउथ अफ्रीका आया है, स्पिन देखेंगे, अंधों की तरह खेलेंगे जैसे वो खेलते हैं और फिर वो गिर जाएंगे। लेकिन उन्होंने तो आज जबरदस्त पलटवार किया है। बहुत अच्छी कमबैक की उन्होंने, 39 for 3 और उसके 63 for 4 और 385 रन बनाना, मैं समझता हूँ कि बहुत एक दिन में 350 रन। और दूसरी बात यह है कि ऐसी बात नहीं है कि भारत मैच टेस्ट मैच नहीं जीत सकता, अभी भी जीत सकता है। पर आज का दिन मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है। और बैटिंग देखिए, उन्होंने डिफेंड भी अच्छा किया और उसके साथ साथ उन्होंने अटैक भी बहुत अच्छा किया। मेरे ख्याल ये पैटर्न ना उनकी सारी सीरीज में रहेगा। पर एक मेरे को हैरानगी वाली, अफसोस वाली बात यह है कि आप दो बॉलर से खेल रहे हैं, दो बॉलर यानी कि एक अश्विन और जडेजा। अगर आपने मोहम्मद शमी की बॉडी लैंग्वेज देखी होगी या ईशांत शर्मा की, तो कोई ऐसा मेरे को लग ही नहीं रहा था कि वो विकेट लेंगे, क्योंकि विकेट में कोई दम ही नहीं था। आपको कुछ ना कुछ जोर तो लगाना ही पड़ेगा। अगर आपने ऐसी विकेट ही बनानी थी, थोड़ा बहुत अगर घास नहीं छोड़ना था, ऐसी विकेट बनानी थी तो आप तीसरा स्पिनर खिला लेते कम से कम। आपने देखिए, आप कहते हैं कि एक तेज गेंदबाज और क्या, आप क्या कर सकते इस विकेट के ऊपर? बेचारे पेस बॉलर क्या करेंगे? आप वो लाइन ऑफ लेंथ डाल के साउथ अफ्रीका के पेस बॉलर का हालत देख लीजिए, उन्होंने कैसी गेंदबाजी की है। और हमारी भी देखिए, आप ऐसे वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीत सकते दो दो बॉलर रख के। आपको कम से कम, आपके पास आप 5 नहीं बॉलर खेल रहे, कम से कम 4 बॉलर तो जेन्युइन खेलने चाहिए ना। नहीं, मोहम्मद शमी गेंदबाज है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आज उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। नहीं, इस्तेमाल नहीं हुआ, अच्छा भी नहीं हुआ। यहाँ तो एक एंड पे उनको लगाए रखते, उनको बोल देते भाई लाइन ऑफ लेंथ डाल के सीधा सीधा विकेट में आप गेंद करते जाओ और आपको विकेट मिलने के चांस। पर कुछ था ही नहीं। और जो उन्होंने अटैक किया है ना, तो बेस्ट उन्होंने अटैक किया है। मैंने कभी ऐसा अटैक नहीं देखा बैटिंग करते हुए, या मैथ्यू हेडन या गिलक्रिस्ट को देखा था मैंने। 2001 मुंबई टेस्ट मैच की पहली पारी की आप बात कर रहे हैं, हाँ, जहां पर हरभजन ने 5 विकेटें ले ली थी, लेकिन इन दोनों ने आकर एकदम गेम बदल दी, एकदम गेंद बदली। और मैं समझता हूं कि एल्गर ने जो बहुत बैटिंग की है जबरदस्त, और डीकॉक ने, उसने बिल्कुल मैच का उल्टा। देखिए, मुश्किलें तब बढ़ेंगी जब अगर ये एक घंटा डेढ़ घंटा बैटिंग कर गए। लेकिन अभी भी मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है और शायद दर्शकों को भी लगता होगा कि भारत टेस्ट मैच को जी सकता है। कहते हैं कि अच्छा टेस्ट मैच कौन सा है, कि जी तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ, दोनों टीमों की पहली पारी खत्म हो गई और तकरीबन ज्यादा फासला ना हो। हालांकि अभी भी 117 रन भारत के पास हैं, दो विकेटें साउथ अफ्रीका की हैं। जैसे मदन जी ने कहा, अगर सुबह आधे घंटे में भारत को वो दो विकेटें मिल जाती हैं, जाहिर तौर पर आपकी लीड भी तकरीबन 80-90 रन की होती है। फिर कल भारत को बैटिंग करनी है, लेकिन भारत को ये देखना है बरसात तो नहीं होगी, और दूसरा आखिरी दिन कितने ओवर और कितने रन, और उसमें आज आपके खेल का भी एक तरह से प्रभाव रहेगा कि इन्होंने एक दिन में 350 रन बनाए। हाँ बिल्कुल बनाए हो, देखिए। और क्या है कि डिपेंड करता है भाई भारत बैटिंग कैसे करता है। अगर देखिए, अगर एक दो विकेट जल्दी जल्दी वो अगर ले जाते हैं, तो फिर तो आपको थोड़ा सा डिफेंड भी करना पड़ेगा। आपको मैच को हाथ से निकालना नहीं है, आपको मैच को जीतने की कोशिश करनी है। तो ये अगर शुरू में आउट हो गए, तो मैं समझता हूँ कि अगर जैसे आपने कहा कि कितने ओवर हैं और कितने रन उनको देते हैं, चैलेंज तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है। और ये विकेट उस तरह की नहीं है, गड्ढा नहीं है ये विकेट एक टिपिकल पुराने जमाने की इंडियन विकेट है, जहां पर गेंद नीचे जरूर रह रही है, थोड़ी स्लो है, लेकिन तीसरे दिन के लिहाज से उतना ही टर्न मिला है जितना मिलना चाहिए था। शायद चौथे दिन, शायद पांचवें दिन थोड़ा सा वेयर एंड टीयर बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं समझता हूँ कि उनके जो बॉलर्स हैं, स्पिनर, वो भी बेटर बॉलिंग करेंगे, क्योंकि देखिए हौसला भी तो बढ़ जाता है, हौसला बढ़ जाता है। उन्होंने बॉलिंग कर ली है स्ट्राइक के ऊपर, उनको मालूम है कि जहाँ पे गेंद करना है,
और क्योंकि पहली इनिंग में उन्होंने बहुत ज्यादा लूज बॉल दी है स्पिनर्स ने, साउथ अफ्रीकन के स्पिनर्स ने, चाहे महाराज उसने या मिथु क्या नाम है उसका, मुथु। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि फर्क जरूर पड़ेगा। शायद आप अभी जो 5 विकेटें देख रहे थे अश्विन की, अश्विन तो 5 विकेट एक और हॉल हो गया। रन जरूर उनको पड़े हैं, 128 रन को पड़े 41 ओवरों में, लेकिन 5 विकेटें हैं। और अगर आप सिर्फ 5 विकेटें देख रहे थे, आप कहेंगे वाह, एक क्लासिकल ऑफ स्पिनर जिसे होता है ना, वो सारी विकेटें। लेकिन इस दरमियान उन्हें रन भी पड़े। शायद रविंद्र जडेजा ऐसे गेंदबाज थे, उनको 2 विकेटें जरूर मिली हैं, लेकिन वो इंपैक्ट नहीं रहा जिस तरह से आप दूसरे स्पिनर का चाहते हैं। मैं फटाफट आपको उस स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, कुछ बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं, और मैं भी भागकर चलता हूं क्योंकि टेस्ट मैच में जान इतनी आ गई है कि फटाफट देखिए कहां पर खड़ा है टेस्ट मैच और भारत को जीतने के लिए क्या करना है। एक तो स्कोर तो आप जानते ही हैं कि फिलहाल इतना स्कोर है, लेकिन अब आज के दिन क्यों भारत परेशान रहा, ये जो मदन जी ने कहा ना, ये जो दो साझेदारियां हुई, पहले डुप्लेसी और एल्गर के बीच, इन्होंने आकर दरअसल सारा का सारा खेल बिगाड़ा। 115 रन बनाए और लंच तक, भले ही उनके 63 आउट से शुरू हुआ था, लंच तक वो 100 से ज्यादा रन बना चुके थे। भारत को ये विकेट मिला, लगा कि शायद अब थोड़ा रिस्पाइट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद डीकॉक और एल्गर ने भी 164 रन की साझेदारी। तो इस टेस्ट मैच में 2 शतक इंडिया और 2 शतक साउथ अफ्रीका की तरफ से भी हो चुके। अश्विन की 5 विकेटें हैं, लेकिन शायद उनका रोल अब जो चौथी पारी है इस टेस्ट मैच की उसमें बढ़ेगा, और शायद अब भारत को कल ये देखना है कि कितनी बैटिंग, कितनी लीड, कितना टारगेट चौथी इनिंग में वाजिब समझते हैं, और कितने ओवर उनको लगता है कि उनके स्पिनर्स को चाहिए होंगे इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। आप ईशान शर्मा, मोहम्मद शमी हो, जिन्होंने पिछले 18-19 महीने लगातार अच्छी गेंदबाजी की है, और घर में आकर एसजी टेस्ट से रिवर्स स्विंग भी थोड़ा बहुत मिल रहा था, आपको लगता है कि उनको लंबा स्पेल नहीं कराया गया, या फिर कप्तान के पास ऑप्शन नहीं था कोई? नहीं, देखिए ऑप्शन तो, देखिए आपके पास 4 बॉलर लेके खेल रहे हैं तो आपको तो कराने ही थे, या तो एक एंड पकड़ के उनको बोलते भी, अगर आप एक रन एंड पकड़ के गेंद करते जाइए, लाइन ऑन लाइन आगे विकेट टू विकेट करते जाए, शायद उसमें चांसेस ज़्यादा मिल जाते आपको आउट करने के। पर ऐसी विकेट के ऊपर पेसर का, देखिए आपको पेसर ने मैचेज जिताए हैं, बड़ी बड़ी सीरीज जिताई हैं उन्होंने, आप क्यों लेट डाउन कर रहे हो उनको? मेरा मैं नहीं कहता, देखिए इंडिया में कोई भी विकेट अगर अच्छी भी विकेट बनाओगे ना, तो चौथे पांचवें दिन जो है वो टर्न करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है इसमें ना टर्न करे। खैर, मुझे लगता है कि एक तरह से अगर हम क्रिकेट फैन के लिहाज से कह रहे थे ना कि एक अच्छी सीरीज चाहिए, शायद आज का दिन क्रिकेट के लिहाज से हमें वहां तक लेकर जा रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका लड़ा है, अरसे बाद भारत में आकर कोई टीम लड़ी है। ये टेस्ट मैच बड़ा दिलचस्प होगा, और भारत को जीतने के लिए क्या करना है इस पर चर्चा करनी, लंबी सारी बातें भी करनी है, और आपके सवाल भी लेने हैं, राय भी लेनी है, आज कहां चूक हुई, क्या करना है, कहां पर, हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर।